जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल एजे एक्वेरियम में। तो आज की वीडियो जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जो ऑनलाइन फिश शॉपिंग करना चाहते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट जो दिल्ली एनसीआर में रहते हैं। क्योंकि दिल्ली एनसीआर में मुश्किल से एक या दो साइट हैं जो घर पर होम डिलीवर करते हैं, जिसमें से एक बनी कार्ट है जिसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। उस वीडियो में मेरे को रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा आया था, बट वहाँ पे बिगेस्ट चैलेंज ये था कि और उस पे वैरायटी बहुत कम है। वहाँ पे आपको नियॉन टेट्रास मिल जाती हैं, उसके अलावा बाकी ज़्यादातर फिशेस आउट ऑफ स्टॉक रहती हैं। कोविड की वजह से भी कुछ प्रॉब्लम हुआ है। प्लैटीज़ आपको मिल जाती हैं, चार ही कलर मिलते हैं। शॉर्ट टेल का सिर्फ एक ही कलर मिलता है रेड। गपीज़ की तीन या चार वैरायटी मिलती हैं और फिशेज़ नहीं मिलती हैं। तो ये हो गई कुछ सस्ती फिशेज़ या फिर प्लांटेड टैंक से रिलेटेड फिशेज़। आज जो मैं बात करने वाला हूँ ये है डिस्कस के बारे में। तो डिस्कस के बारे में बात करने से पहले मैं मतलब सबसे पहले आपको जो है ये बताना चाहूँगा कि मेरी जर्नी जो है वो किस तरीके से स्टार्ट हुई एंड सक्सेसफुली मैंने अपने दिल्ली में मतलब दिल्ली एनसीआर रीजन में मैंने घर पे होम डिलीवर कैसे करवाई फिश और कहाँ कहाँ से मैंने शुरुआत करी। तो सबसे पहले ऑब्वियसली मैंने लोकल स्टोर्स पर पता किया। ऐसा नहीं कि मैंने पहले डिस्कस फिश नहीं रखी, रखी है, बट वो इंडियन स्ट्रेन थी क्योंकि मैं कॉस्टली फिशेस के अंदर इतनी इजीली पड़ता नहीं था स्टार्टिंग में एट द वेरी बिगनिंग। और फिर उसके बाद मेरे टैंक के अंदर जो है मतलब वो अरवाना थी, देन फ्लावर ऑन थी, पैरट्स थी, ऑस्कर्स थी, तो इसलिए मैंने डिस्कस उनके साथ नहीं रखी। हालांकि वो अरवाना के साथ तो रह लेती है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, सक्सेस स्टोरी कैसे हुई और फाइनली मुझे बंदा कहाँ से मिला, कैसे मिला और उसी से मैंने क्यों लिया। तो टॉपिक पे आते हैं। तो शुरुआत ऐसे होती है, लोकल स्टोर से पहले पता करा। अब अचानक से मेरा मन कर गया कि भाई ये सब बहुत रख लिया, अब प्लांटेड टैंक के अंदर जो है मतलब कुछ अलग ही फिश रख के देखते हैं जो काफ़ी खूबसूरत हो। तो काफ़ी खूबसूरत फिशेस की जब बात होती है तो उसमें फ्लावर वगैरह के अलावा डिस्कस का नाम ज़रूर आता है क्योंकि वो इतने वाइब्रेंट कलर्स में आती है, लाइक बेटा की तरह आप उसे एक तरीके से समझ लीजिए, इसमें इतनी वेराइटीज़ आती हैं। नाउ जब मेरे को लोकल स्टोर्स पे नहीं मिली एंड लोकल स्टोर्स की भी सेम प्रॉब्लम होती है, एक्चुअल में क्या होता है कि वो कलकत्ता से या साउथ में कहीं ना कहीं से किसी ना किसी ब्रीडर से मंगवाते हैं, तो वो इतने स्टेट्स ट्रैवल करते हुए ट्रेन से या फिर प्लेन से आती है। तो एक तो सबसे पहली चीज़ क्लाइमेट चेंज, जो कि उस फिश के लिए सूटेबल नहीं है। डिस्कस को क्लाइमेट चेंज, सडन चेंजेस जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं होते हैं, बीमार बहुत जल्दी हो जाती है इन चीज़ों में, तो बहुत ज़्यादा क्लोजली जो है मॉनिटर करना पड़ता है। तो एक्सपीरियंस लोग ही रखें, बिगिनर्स उस फिश पर ना जाएँ। तो हुआ क्या, अब मैं जब लोकल स्टोर्स वालों ने मना कर दिया कि सर आपको पता है आजकल मौसम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मैंने बहुत टाइम वेट करा, कई महीने भी वेट करके देखा, बट जो आ रहा था वो मुझे पसंद नहीं आ रहा था या फिर वो इंडियन स्ट्रेन आ रही थी वो 300 400 500 रुपए वाली, जो मुझे पसंद नहीं आ रही थी, और उसमें वो कलर्स भी नहीं होते जो एक्चुअल में डिस्कस की ब्यूटी को जस्टिफाई कर सकें। तो फिर अल्टीमेटली होता यह है कि मैं खुद रिसर्च करना शुरू करता हूँ। फेसबुक पे मैंने तीन चार बार कांटेक्ट करने की कोशिश करी लोगों को, लेकिन वो प्राइसिंग ही कुछ इस तरह की बोलते थे, बड़े साइज़ के डिस्कस पे 7,000 रुपये का पेयर, 9,000 रुपये का पेयर। और इनफैक्ट मैंने आज एक से बात करी जिसका मैं स्क्रीनशॉट आपको दिखाता हूँ, उस बंदे ने मेरे को सेम फिशेस की कोटेशन दी। मैंने उसको ये भी बताया मेरा यूट्यूब चैनल है, अगर आपका मटेरियल अच्छा होगा तो मैं आपको फ्री में प्रमोशन भी दूंगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, मैं आपके बारे में लोगों को बताऊंगा। तो उसका क्राइटेरिया क्या था, वो कहता या तो मैं प्लेन से ट्रेन से भेजूंगा, दिल्ली में मेरा एक ऑटो वाला बंदा है, आप उससे बात कर लेना कि भाई आपने उसको कितने पैसे देने हैं, वो आपको रेलवे स्टेशन से या एयरपोर्ट से जहाँ से जिस भी मेथड से आप मंगवा रहे हो, एयरपोर्ट से मंगवाओगे तो ऑब्वियसली सेम डे में वो आपको भेज देते हैं, तो उसकी कॉस्टिंग थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ट्रेन में आपको एक दिन का टाइम लगता है 18 से 20 घंटे, तो वो उसी के हिसाब से आपको जो है घर आके ऑटो वाला भैया दे जाएगा। मैंने कहा चलो ठीक है जी, वो भी करके देखते हैं। कोटेशन बना के दी सर ने, कहते वैसे इसका टोटल प्राइस 25,000 बैठता है, मैं आपको जो है 22,000 के अंदर दे दूंगा। स्क्रीनशॉट शेयर करता हूं मैं भी आपको। तो मैंने फिर प्लान ड्रॉप करने की सोची, इतना पैसा कौन खर्च करेगा, तो पागल ही बनाया जा रहा है। तो मैंने रात को फेसबुक पे पोस्ट डाले थे कल रात को, जिसकी वजह से मेरे को कुछ रिस्पॉन्स आए। उसमें से एक रिस्पॉन्स जो था वो एक अपने इंडियन बंदे का था और हमारे ही भाई बंधु हैं, एक एक्वेरियम चैनल वाले फिश एंड हॉबी के नाम से, जिन्होंने उसके प्लेस पे जाके वीडियो भी डाली हुई थी। तो उस बंदे ने मेरे को सुबह पिंग किया मैसेंजर पे एंड देन वी हैड अ वर्ड ऑन व्हाट्सएप। आई गॉट टू नो दैट ही इज़ आल्सो हॉबिस्ट लाइक मी, नॉट अ प्योर बिजनेसमैन, तो हॉबिस्ट लाइक मी, सो वी हैड अ ग्रेट कॉन्वर्जेशन। हमें मतलब आधा पौना घंटा हमने बात बात करी।
तो वी केम टू अ गुड कंक्लूजन कि अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा होता है सेम थिंग आई विल प्रमोट. और फिर उन्होंने मेरे को अपने प्राइसेस बताए जो कि मुझे बहुत अच्छे लगे. एज आई सेड ही इज़ नॉट अ प्योर बिजनेस मैन, ही इज़ मोर ऑफ अ हॉबिस्ट. तो ही इज़ अ ब्रीडर इन दिल्ली. तो अब प्राइसिंग की बात करते हैं. उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, एक तो मैं आपको अपनी खुद की फ़िश जो है वो दिखा रहा हूँ जो टैंक के अंदर है, जिससे आपको पिक्चर क्लियर हो जाए कि भाई ये मतलब गूगल इमेज नहीं है या फिर क्या है. तो मैं आपको अपने टैंक के अंदर की पिक्चर जो है वो मैं शो कर रहा हूँ. दूसरी पॉइंट की बात, फ़िश आज ही आई है तो जो एक्सपीरियंस एक्वेरिस्ट है उन्हें ये चीज़ मालूम होगी कि जिस दिन फ़िश आती है वो स्ट्रेस्ड होती है ट्रैवल की वजह से, थोड़े से उसके कलर्स जो हैं वो फीके होते हैं. यानी कि 2-3 दिन में तो इसके कलर्स और अच्छे आएंगे ही. अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे टैंक के अंदर कुछ अपडेट्स भी होने वाले हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ. वो अपडेट होने के बाद उसके कलर और ज़्यादा ब्रिलियंट नज़र आएंगे. एक्सपीरियंस लोग समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, बट हाँ मैं उसके बारे में अगली वीडियो में बताऊँगा और उसके साथ कुछ और भी चीज़ें हैं जो आने वाली हैं. देन अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे टैंक के इमेजेस के अलावा कुछ मैं गूगल इमेजेस भी आपको शो कर रहा हूँ, जस्ट टू शो यू कि किन फिशेस के बारे में बात कर रहा हूँ, कौन सी मैंने मंगवाई हैं और उनकी प्राइसिंग के साथ. नाउ इसके अलावा वीडियो के एंड में लास्ट में आपको उनका जो करंट स्टॉक अभी उनके पास है उसकी छोटी छोटी क्लिप्स हैं 10-10, 20-20 सेकंड की, वो भी मैं ऐड कर दूंगा सो दैट आप वो देख के उनसे बात कर सकें. सो उनका नाम और नंबर स्क्रीन पे मैं आपको शो कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी जो है वो आपको मिल जाएगा. और साइजेस भी छोटे से बड़े हर तरह के हैं. जो अभी उन मेरे को बेस्ट लगा वो वियतनाम वाली फ़िश है जो टेक्स्चर्ड है. मेरे को सेंटग्रेस शायद आपको पीछे दिख जाएगी अगर आप ध्यान से देखेंगे, वो एक ऊपर दिख रही है इस टाइम. तो डिस्कस जो है वो छुपी भी रहती है और जब नहीं आती है तो वो 3-4 दिन या हफ्ते तक ऐसा पॉसिबल है कि वो खाना भी ना खाए. तो सबसे पहली बात, जो रखने की सोच रहे हैं वो परेशान ना हो. दूसरी चीज़, वाटर टेम्परेचर का इसके लिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है. और टैंक मेट्स भी जो है इसके साथ, वैसे तो बहुत वैरायटी रह लेती है बट अगर आप एंजल सेमी एग्रेसिव तक रखें तो मेरे हिसाब से सही रहेगा. बाकी छोटी मोटी टेट्रा फिश वगैरह वो जो है इसके साथ बिल्कुल पीसफुली रहती हैं. वाटर टेम्परेचर इज़ द मेन थिंग. मैंने जो है वियतनाम टेक्स्चर्ड मंगवाई है, रेड शेड में एक मंगवाई है मैं आपको दिखाऊंगा, और येलो सॉलिड येलो जो है वो भी मैंने मंगवाया है. इसकी टोटल कॉस्ट यानी कि 3 pairs, 6 pieces जो फिश है मेरे को सिर्फ और सिर्फ 5600 की पड़ी है. यही सेम फिशेस जो है वो मेरे को भेज रहे थे, नहीं वो 8 pieces का उन्होंने प्राइस ज़्यादा विच वॉज 22,000. तो अब आप देख लो कि हाउ रीजनेबल दिस गाय है जिसने मेरे को ये वियतनामीज टेक्स्चर्ड वाली जो है ये सिर्फ 1200 की दी है. हो सकता है मैं गलत नाम बता रहा हूँ तो मुझे माफ़ कर देना, आई एम नॉट अ डिस्कस एक्सपर्ट. मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो में बता दिया कि पहले मैंने इंडियन स्ट्रेन रखी थी सस्ती वाली 400-500 रुपये वाली, लेकिन हाँ ये इम्पोर्टेड जो है ये मैं फर्स्ट टाइम रख रहा हूँ. एंड और भी जो है मंगवाएंगे, और भी मैंने अपडेट्स जो है उनसे मांगे हैं. ब्लू शेड के अंदर भी टाइगर वर्टिकल, ये मैं सही नाम ले रहा हूँ क्योंकि ये मैंने गूगल पे भी चेक किया है, तो वो भी मैंने जो है ऑर्डर प्लेस किया हुआ है. बट उसको आने में हाँ डेफिनेटली टाइम लगेगा. अगर आपको अच्छी चीज़ चाहिए तो उसके लिए रुकना पड़ता है. और अच्छी चीज़ें जो अपडेट्स हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में. और हाँ, टाइम की आजकल बहुत कमी चल रही है तो वीडियोज़ थोड़ी लेट आ रही है, उसके लिए माफ़ कर देना. लेकिन हाँ, उसके लिए मैं एक चीज़ करने वाला हूँ, अब से अगर मेरे पास टाइम नहीं हुआ तो मैं सही टाइम पे अपलोड करने की वजह कभी भी अपलोड कर दूंगा. देख लेना, ऐसा मत करना कि कहीं देखो ही ना. तो मैं टाइम का आप मेरे को बताओ, अगर टाइम का आपको लोगों को प्रॉब्लम नहीं है तो मैं रात में सुबह अगर कभी भी कर दूं तो क्या आप लोग देखोगे? प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, डू लेट मी नो. और हमारे 6000 सब्सक्राइबर्स बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाले हैं, जस्ट 50 बचे हैं, फटाफट से उसको कंप्लीट करा दो. एंड उसका गिव अवे जो है वो फिर जल्दी से अनाउंस करते हैं. एंड हमारी जो बेस्ट वीडियो है उसका 1 lakh व्यूज़ भी जो है बिल्कुल कंप्लीट होने ही वाले हैं. ऑलमोस्ट आई थिंक 1500 या 2000 व्यूज़ जो हैं उसके हार्डली बचे होंगे, तो उसको भी फटाफट कराओ. उसके लिए भी मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ स्पेशल जो है उसके लिए भी हम ज़रूर करेंगे, उसको कंप्लीट करा दो फटाफट. बेस्ट वीडियो का लिंक और इंस्टाग्राम का जो पोस्ट है उसका लिंक, जहाँ से गिव अवे अनाउंस होंगे, जहाँ जाके आपने कॉमेंट करना है, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा. और प्लस हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज का लिंक भी जो है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. जाओ जाके फॉलो करो. नेक्स्ट गिव अवे के बारे में भी जो है उन्हीं से रिलेटेड जो हम डेफिनेटली बताएंगे. दैट्स ऑल. सो आज की इन्फॉर्मेशन जो है यहीं पे ख़त्म करते हैं. इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और हमारी जो डिस्कस फिशेस हैं उसका भी अपडेट आपको बताएंगे कि कलर कितना बढ़िया हुआ है कितना नहीं, उसके भी आपको फोटो जो है दिखाऊंगा मैं. सो दैट्स ऑल. इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर एज वेल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे.